अजय देवगन, श्रेयस तलपड़े, परिणीति चोपड़ा, अरशद वारसी, कुणाल खेमू और तुषार कपूर जैसे फिल्म स्टार साइकिल दौड़ा रहे हैं, वो भी सलमान खान के ब्रांड बीइंग ह्यूमन की। जी हाँ, खबर सच है कि फिल्म में भी इनका इस्तेमाल हुआ है। आगे जाने किसने दी ये खबर, खुद सुपरस्टार सलमान खान ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बाकायदा ट्वीट करके गोलमाल अगेन की टीम को थैंक यू कहा है, साथ ही वो तस्वीर भी पोस्ट की है जो आप कवर स्टोरी पर देख चुके हैं। आगे जाने गोलमाल अगेन के बारे में, गोलमाल अगेन फिल्म के साथ अब नया रिकॉर्ड जुड़ गया है। फिल्म के ट्रेलर ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर किया है। इस रिलीज हुए ट्रेलर को अब तक 15 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जो कि अपने आप में कमाल को बात है। दर्शक अब बेताबी से गोलमाल अगेन का इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी कर रहे हैं। वैसे भी अजय देवगन और रोहित शेट्टी की जोड़ी सुपरहिट फिल्मों की गारंटी होती है। इन दोनों में अभी तक साथ मिलकर जितनी भी फिल्में की हैं सुपरहिट साबित हुई हैं। तो भला गोलमाल अगेन अपना कमाल कैसे न दिखाए। गोलमाल अगेन के ट्रेलर में भूतिया एंगल दिखाया गया है, जो कि दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। इसके साथ ही कॉमेडी का तड़का भी लगाया गया है। इस फिल्म में तुषार कपूर, अरशद वारसी, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, तबू और परिणीति चोपड़ा हॉरर ट्विस्ट के साथ नजर आने वाली हैं। इसके अलावा फिल्म में नील नितिन, मुकेश, जॉनी लीवर और संजय मिश्रा जैसे कलाकार भी अहम रोल में हैं। ये फिल्म इस साल दिवाली के अवसर पर 19 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।